क्या आप अपने निवेश की ठीक देखभाल कर रहे हैं? हम और आप अपनी वस्तुओं का ध्यान अवश्य रखते हैं। उदाहरण के लिए घर की रोज की सफाई करते हैं, घर की चीजों की देखभाल, मरम्मत, सुधार ये भी नियमित रूप से करते हैं। पर क्या अपने निवेश का इसी तरह आप ध्यान रखते हैं? यदि निवेश की देखभाल उचित न हो तो जरूरत के समय पैसे निकाल नहीं सकेंगे। संभव है कि आपके फोलियो में उपनाम या सरनेम शादी से पहले का हो, आपका पता बदल गया हो, फोलियो में दर्ज किया हुआ बैंक अकाउंट कब का बंद कर दिया हो। अगर आपकी निजी जानकारी सही न हो सकता है कि पैसे निकालने की कार्यविधि में कठिनाई का सामना करना पड़े। यदि बैंक अकाउंट बंद किया हो तो अपने म्यूचुअल फंड को अवश्य सूचित करें। प्रत्येक फोलियो में 5 बैंक अकाउंट का विवरण होता है। ध्यान रहे कि जिस बैंक अकाउंट का आप अधिक प्रयोग करते हैं उसी को डिफॉल्ट अकाउंट बनाएं, ताकि डिविडेंड और रिडेम्पशन की कमाई उस अकाउंट में जमा हो। नया बैंक अकाउंट खोलें तो उसे फोलियो में जोड़ें। जो अकाउंट बंद कर दिया हो उसे फोलियो की लिस्ट से हटाएं। क्या आपके व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन आया है? जैसे कुछ निवेश शादी से पहले के नाम से हो और कुछ निवेश के काम शादी के बाद के नाम से किए हों। पहले आप NRI नहीं थे पर अब हैं। ऐसे बदलाव की जानकारी म्यूचुअल फंड को तभी होगी जब आप उन्हें सूचित करेंगे। म्यूचुअल फंड के केंद्रीय एजेंसी KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी में सभी यूनिट होल्डर के नाम पता का रिकॉर्ड रहता है। अगर आपका पता बदला हो और फंड को इस परिवर्तन की सूचना नहीं दी तो म्यूचुअल फंड के नोटिस और खबरें गलत पते पर पहुंचेंगी। KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी को सही नाम पता की सूचना देते रहें ताकि आपके रिकॉर्ड ठीक ठाक रहें। कुछ इन्वेस्टर के हस्ताक्षर समय के साथ बदल जाते हैं और कुछ नए हस्ताक्षर अपना लेते हैं। ऐसा हो तो अपने फोलियो में हस्ताक्षर बदलें, बैंक से अनुप्रमाणित या अटेस्ट कराएं और फिर फंड को सूचना दें। ऐसा करने से हस्ताक्षर परिवर्तन के बाद भी पुराने निवेश की कार्यवाही में कोई रुकावट नहीं आएगी। म्यूचुअल फंड अपने वेबसाइट पर तरह तरह की कार्यविधि से संबंधित फॉर्म उपलब्ध करते हैं। फॉर्म भरें और निर्देश अनुसार KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी, फंड या इन्वेस्टर सर्विस सेंटर को भरा हुआ फॉर्म भेजें। फॉर्म में सहायक डॉक्यूमेंट का वर्णन भी मिलेगा। आमतौर पर कैंसल चेक, बैंक मैनेजर द्वारा प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट, पता या नाम परिवर्तन का प्रमाण, NRI स्टेटस का प्रमाण, ऐसे सहायक डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। सभी संयुक्त होल्डर्स का फॉर्म पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। ये भी आवश्यक है कि फर्स्ट होल्डर नए बैंक अकाउंट में एक जॉइंट होल्डर हो। रिकॉर्ड में इन्वेस्टर जानकारी को बदलने में म्यूचुअल फंड को 7 से 10 वर्किंग दिन लग जाते हैं। नई जानकारी फोलियो के अंतर्गत सभी स्कीमों पर लागू होगी और अगर परिवर्तन की जानकारी KRA को दी जाए तो सभी फंड रिकॉर्ड में नई जानकारी दर्ज हो जाएगी। फोलियो की जानकारी को ताजी रखें ताकि जरूरत के समय आपके निवेश की कार्यविधि में कोई बाधा न आए। निवेश की देखभाल के लिए समय निकालें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।